हम सभी क्रांति वीरों को नमन। जनता सरकार मोर्चा, उसके सभी साथी, देवेंद्र भाई से मेरी पहली मुलाकात है और जितने भी आप सभी सहयोगी हैं, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। राजीव भाई के जाने के बाद उस समग्र स्वदेशी अभियान में से केवल मैंने गाय के विषय को पकड़ा था और अभी तक उसी विचार और पथ पर चल रहा हूं। लेकिन कई वर्षों के बाद यह समझ बनी कि यदि हमने गाय को पकड़ लिया है, गाय के विचार को पकड़ लिया है, तब इसमें स्वदेशी अभियान संपूर्ण हो जाता है। आप सभी यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं और बहुत लोगों ने मुझे पहले भी सुना होगा, मैं मात्र गाय पर अपना विचार, अपना अनुभव प्रकट करता हूँ। अभी भाई ने कहा कि गाय के विज्ञान पर बात करें, लेकिन मैं समझता हूँ विज्ञान को समझने से पहले थोड़ा इतिहास को समझना जरूरी है। इतिहास में जो गलतियाँ हुई, ऐसी गलतियाँ हमारी युवा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियाँ ना करें, इसके लिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि थोड़ा इतिहास की तरफ आपको लेकर के चलूं, एक ऐसा इतिहास जो इतिहासकारों से अछूता रहा। विषय लंबा है, थोड़ा संक्षिप्त में ही रखने की कोशिश करूंगा ताकि विज्ञान वाले विषय पर जो मेरा अनुभव है वह ज़्यादा कुछ आपके सामने रख सकूं मैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस समय जो अंग्रेजों के मन में जो विचार आया था कि भारत को यदि बहुत वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक अगर लूटना है, यहाँ की समृद्धि को लेकर जाना है, तो समृद्धि मात्र सोने चांदी वाला नहीं, प्रतिभा वाली समृद्धि को भी अगर वर्षों तक हमें ले जाना है तो क्या क्या करने चाहिए। तो इस पर जब उनका विचार मंथन हुआ तो विचार मंथन में से कई चीजें निकल करके आई। एक पहला विचार आया कि भारत में जो समृद्धि और संतोष है, समृद्धि और समृद्धि के साथ जो संतोष है, इसको छीनना पड़ेगा। दूसरा आया कि ज्ञान को खत्म करना पड़ेगा। अगर भारत के लोग ज्ञानी रहेंगे तो हमारे कब्जे में नहीं रहेंगे। कोई भी देखो, बुद्धिमान व्यक्ति आज भी किसी की गुलामी में नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहना पसंद करता है। तो ज्ञान को छीनना पड़ेगा। और तीसरा, इनके स्वास्थ्य को छीनना पड़ेगा। अगर इनके स्वास्थ्य को ना छीनोगे तो कल ये लड़ाई पर उतर आएंगे। इनका पराक्रम को छीनना पड़ेगा। तो ये तीन उनके मंथन क्रिया से तीन चीजें निकल करके आई और फिर तीनों के मूल में जब पहुंचने की कोशिश की कि तीनों का मूल कौन है, जहां से भारत के लोगों को पराक्रम मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, तो इस सबके मूल में कौन है। कई चीजें आई सामने, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से आई गाय, कि गाय के कारण भारत के लोगों में पराक्रम है। उन्होंने भारत के पौराणिक
युद्ध को जब स्टडी किया कि भारत में कितने युद्ध हुए और उस युद्ध में भारत कैसे विजय हुआ, भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति मरने का जो जज्बा है वो इतना ऊंचा क्यों है। जब राष्ट्र की बात आती है तो व्यक्ति अपना परिवार छोड़ देता है, अपना घर संसार छोड़ देता है, अपना बिजनेस नौकरी छोड़ देता है, ये जज्बा कहाँ से आया। और ज्ञान, ज्ञान कहाँ से आया, और ज्ञान और पराक्रम है तो व्यक्ति समृद्ध बनता ही है। तो हमारी समृद्धि को लूटा ये कोई बड़ी चीज नहीं है, समृद्धि जीवन में आते रहता है जाते रहता है। देखते ही देखते हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है और अमीर से अमीर व्यक्ति देखते देखते गरीब बन जाता है। तो समृद्धि तो एक ही जीवन में कई बार आती और जाती है, लेकिन ज्ञान एक बार गया तो दोबारा नहीं आता, और एक बार जीवन से पराक्रम चला गया तो दोबारा नहीं आता। तो जब इसके मूल को टटोला तब ये पहुँचे हैं गाय के ऊपर, कि गाय ही है जो भारत के लोगों को पराक्रम बना, पराक्रम इनके मन में रखा है, इनके शरीर में पराक्रम का भाव है, और ज्ञान भी ऊंचा इसी के कारण है। तो यदि गाय को हम तोड़ देते हैं यहाँ से तो धीरे धीरे भारत टूट जाएगा, और एक बार भारत के लोगों का स्वास्थ्य गया, पराक्रम मन से गया, ज्ञान गया, तो कई वर्षों तक हम यहाँ की समृद्धि को लूट सकते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए थे उस समय वो पूरे लुटेरे थे, यूरोप का सबसे बड़ा लुटेरा वर्ग वही था, पूरे दुनिया को लूट कर खाने वाला अकेला देश था, जो अपना परिवार चलाने के लिए कभी काम नहीं करता था, उनका काम और पेशा ही लूटना था। तो भारत में उसी उद्देश्य से आए, ज्ञान को ख़त्म करने के लिए गुरुकुलों को ख़त्म किया, बड़ा सरल काम था उनके लिए, लेकिन गाय को ख़त्म करना सरल काम नहीं था उनके लिए। तो गाय समृद्ध क्यों है, अब व्यक्ति समृद्ध है उसको छोड़ दिया, गाय समृद्ध क्यों है इसकी समृद्धि पर आ गए, कि गाय की समृद्धि के मूल में कौन है उसको ख़त्म करो, तो गाय की समृद्धि खत्म हो जाएगी। गाय की समृद्धि खत्म हुई तो गाय से प्राप्त वस्तुएं कम जाएगी, और जैसे ही गाय अनुपयोगी हो गया तो हर कोई छोड़ देगा। तो गाय को अनुपयोगी कैसे किया जाए, इस पर जब उन्होंने विचार किया तब मालूम चला उनको कि भारत में नंदी रखने की एक व्यवस्था है और हर गांव में नंदी होते हैं, और मान्यता ऐसी रही है कि नंदी ही उस गांव का राजा है, और इसलिए राजा को कभी बांध के नहीं रख सकते, इसलिए हर गांव में नंदी की व्यवस्था थी और नंदी खुले रहते थे, और नंदी महाराज किसी की फसल खा गए तो कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि अंततः पूरा गांव राजा का है, ये सारी जो व्यवस्था है वो राजा की है, और राजा अपनी व्यवस्था में से कुछ लेके पेट भर ले तो इसे कोई बुरा नहीं मानता था। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था थी, आपको उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, पूरा पश्चिम कहीं भी आप चले जाएं, 17वीं शताब्दी तक 18वीं शताब्दी तक ये विचार जो है भारत के लोगों में था कि हमारे गाँव का राजा नंदी है, तो नंदी को बांध के नहीं रख सकते, खुला रखो, और नंदी का एक ही काम था, उसकी मर्जी किसी की फसल खा जाए तो वो स्वागत करता था कि नंदी महाराज आज मेरा फसल खा गए, हमारे यहाँ मेहमान आ गए, इतनी ऊंची भावना थी। तो उनका जो शरीर है नंदी का समृद्ध होता था, डिल डॉल पूरा होता था उनका, समृद्ध नंदी हुआ करते थे हमारे गाँव में, और समृद्ध नंदी से जब गांव की गायें जब गर्भ धारण करती थी तो बछड़े भी उत्कृष्ट कोटि के होते थे। तो इस प्रकार से गायों का संवर्धन इस एक छोटी सी सामाजिक व्यवस्था के नींव पर थी,
इसको अंग्रेजों ने स्टडी किया और फिर इसको तोड़ने के लिए यहाँ से पत्र लिखा। विक्टोरिया ने फिर एक कानून बनाया वहाँ पर और कानून बना करके भारत में उसको इम्प्लीमेंट कराया। वह कानून ये था कि गांव में कोई प्रॉपर्टी का मालिक यदि कोई नहीं है और उसका यदि कोई नुकसान कर दे तो उस पर मुकदमा नहीं हो सकता। हाँ, तो नंदी का कोई मालिक नहीं था, नंदी खुद ही मालिक थे। तो इस कानून के आड़ में अंग्रेजों ने भारत के सारे गांवों से उच्च कोटि के उत्कृष्ट नंदियों को पकड़कर कटवाया और कहा कि ब्रिटिश सैनिकों को गौमांस चाहिए, इसके लिए हमें नंदी चाहिए, और एक भी FIR दर्ज नहीं हुआ पूरे भारत में, क्योंकि पहले कानून बना दिया था जिसका कोई मालिक नहीं है उसको कुछ भी नुकसान पहुंचा दो तो FIR नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस कानून की आड़ में भारत के सारे उत्कृष्ट नंदियों को अंग्रेजों ने कटवा दिया और वहीं से गाय का जो संवर्धन है उस पर ग्रहण लगा। और हमारे देश में उस समय तक 360 नस्लें हुआ करती थी गाय की। हरियाणा पंजाब समग्र एक था। इस तरह से जितने भी प्रदेश थे एक एक प्रदेश में जो दस्तावेज मिलते हैं वो 12 से ज़्यादा गाय की प्रजातियों के दस्तावेज मिलते हैं कि भारत के एक एक क्षेत्र में, उस समय प्रदेश नहीं था, राज्य नहीं था, क्षेत्र था। भाषा के आधार पर कह सकते हो, संस्कृति के आधार पर कह सकते हो, तो एक एक भाषा वाले क्षेत्र में जो है 12 से ज़्यादा गाय की प्रजातियां थी उस समय। और पूरे समग्र भारत जहां तक मुगलों का कब्जा था और फिर उसके बाद अंग्रेजों का जहां तक कब्जा हुआ वहां तक 360 गाय की प्रजातियां थी। कितना नुकसान हुआ गाय की प्रजातियों का, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हो कि अभी मुश्किल से 100 प्रजातियां बची हुई है। 250 प्रजातियां मूल रूप से नष्ट हो गई, अब एक भी बची नहीं है। 100 लगभग प्रजातियां बची हुई है, इसमें भी लगभग मैं समझता हूं कि 35 से 40 प्रजातियां तो लुप्त होने के कागार पर खड़ी हुई है। जो जिन प्रजातियों में थोड़ी सी दूध देने की क्षमता अधिक थी ऐसी लगभग 60 प्रजातियों को तो हमारे पूर्वजों ने बचा लिया और जिन प्रजातियों के पास दूध कम था वो खत्म हुई। अंग्रेज जब 1947 में गए, इस कानून को छोड़कर गए, तब तक भी प्रजातियां जो बची थी हमारे यहाँ वो लगभग 250 प्रजातियां थी 1947 तक के आंकड़े अगर आप देखो तो। अंग्रेजों के कालखंड में मुश्किल से 100 प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हुई या विलुप्त हुई। 1947 तक के गजेटियर भी अगर आप पढ़ो तो उसमें जो आंकड़े हैं उसके आधार पर यह पूर्ण विश्वास होता है कि लगभग 250 प्रजातियां बची हुई थी उस समय। 1947 के बाद जो सरकारें बनी, अंग्रेजों की प्रतिनिधि सरकारें जो बनी भारत में, इन प्रतिनिधि सरकारों ने अंग्रेजों से ज़्यादा मूल प्रजातियों को ख़त्म किया है। अंग्रेजों के कालखंड में लगभग 100 प्रजातियां ख़त्म हुई है और ये पिछले 77 सालों में लगभग 150 गाय की प्रजातियां ख़त्म हुई है। और गौ हत्याएं कितनी हुई इसके आंकड़े भी यदि आप निकालो तो अंग्रेजों के कालखंड के बाद जो उनके प्रतिनिधियों की सरकारें बनी है इसमें गौ वंश का ज़्यादा विनाश हुआ है। और ये क्रिया लगभग एक 10-12 साल पहले तक तो बहुत तेज़ी से चली है, अब थोड़ी थमी है, अब इधर कुछ वर्षों से थोड़ी थमी है। और थमी है इस रूप में मैं कह सकता हूँ कि 10 साल पहले का लगभग आप 2015-16 तक के अगर आंकड़े अगर आप निकालो
तो 2 करोड़ लगभग भारतीय गौवंश भारत में बचा हुआ था। सरकार का दावा था कि 14 करोड़ है, लेकिन सरकार ये अलग अलग नहीं बता पा रही थी कि गाय कितनी है, जर्सी होलिस्टीन फ्रीजियन कितने हैं, भैंस कितने हैं और दूसरे इस तरह के समकक्ष जीव कितने हैं। कुल मिलाकर को जो पशुधन सरकार बताती थी कि पशुधन 14 करोड़ है, उसमें गाय कितनी बची है ये नहीं बताती थी सरकार। तो हमने अपने आधार पर एक जो कैलकुलेशंस करवाया पूरे राज्य में अपने गविसिद्धों की मदद से, उसमें से आंकड़े लगभग 2 करोड़ निकल करके आते थे, लेकिन आज वर्तमान में ये आंकड़े बढ़ करके लगभग 4 करोड़ हो गए हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस कारण से हो, गाय के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी हो या सरकार का हो, वो कारण पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल रूप में सुखद बात यह है कि हमारे जो भारतीय नस्ल के जो गौवंश है उसकी संख्या लगभग 4 करोड़ हो गई है। ये सुखद बात है, चाहे जिस कारण से भी हो। तो ये एक इतिहास था कि क्यों गौवंश के पीछे अंग्रेज पड़े, क्यों नष्ट करवाया, और आज यदि यह समझ हम भारतवासियों के मन में ये बैठ गई है अभी ये बात कि समृद्धि के मूल में गाय थी, ज्ञान के मूल में गाय थी, पराक्रम के मूल में यदि गाय थी, तो निश्चित रूप से जाति धर्म भेद भाषा सबको छोड़कर और हम सभी को गौरक्षा के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी आप धर्म के हो, किसी भी जाति पंथ संप्रदाय के हो, पराक्रम तो चाहिए। पराक्रम के बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। ज्ञान तो चाहिए और समृद्धि, ये तीनों चीजें चाहिए। अब वो किसी विचारधारा को मानने वाला हो, ये तीन से अलग रह करके सामाजिक जीवन कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। तो सामाजिक जीवन जीना है, समाज में गौरव प्राप्त करना है, तो आपको ये तीनों चीजें चाहिए। और इन तीनों के मूल में कल भी गाय थी, आज भी गाय है। और देखो, आने वाला जो भारत होगा या आने वाला जो दुनिया होगा, संसार होगा, उसमें भी ये तीनों चीजें इकट्ठे किसी को चाहिए तो उसको मूल में गाय को ही रखना पड़ेगा। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं आपसे, जो लोग गौ विज्ञान नहीं जानते हैं या जिनके पास गाय के विज्ञान का विचार अभी तक नहीं पहुंचा है, उनको लगता होगा ये सब शास्त्रोक्त है, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैं शास्त्र के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। 2000 से लेकर आज 2023 साल का गाय के साथ जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं, और आप इसे जैसे चाहो उस प्रकार से आप मुझसे प्रामाणिकता इसकी मांग सकते हो, और उसकी प्रामाणिकता मैं दे सकता हूं कि गाय यदि परिवार के केंद्र में हो तो परिवार का हर व्यक्ति प्राकर्म्य होता है। परिवार के केंद्र में, मूल में यदि गाय हो तो हर व्यक्ति, परिवार का हर व्यक्ति ज्ञानी होता है, और परिवार कभी गरीब नहीं होता, वह समृद्ध रहता है। ये तीनों चीजें आप जिस आधार पर कहो, उस आधार पर मैं अपने 23 साल के अनुभव पर प्रमाणित करके बता सकता हूं आपको और उदाहरण दे सकता हूं आपको। अब इसी में से देखो सारी चीजें निकल करके आती है। समृद्धि की बात अगर करो तो समृद्धि के मूल में कौन है? उद्योग। तो गाय में से बहुत बड़ा उद्योग निकल करके आता है, और उसी उद्योग के आधार पर आप समृद्ध हो सकते हो। ज्ञान, देखो अभी शिक्षा को 2 तरह से तोड़कर देख सकते हो। एक ऐतिहासिक ज्ञान वाला व्यक्ति और एक सामाजिक ज्ञान वाला व्यक्ति,
ये किताब पढ़ने वाले जितने लोग हैं ये सब ऐतिहासिक ज्ञान वाले लोग हैं, क्योंकि कोई भी पुस्तक कोई भी ग्रंथ आप ले लो वो वर्तमान कभी नहीं होता, वो भूत ही होता है। किसी ने फिजिक्स की एक इंसाइक्लोपीडिया लिख दी, क्या वर्तमान है वो? नहीं, वो भी भूत है। जिस समय लिखा उस समय तक उसके दिमाग में जितनी बातें आई उसको लिख दिया, आप 2 साल बाद पढ़ रहे हो उस फिजिक्स को, तो क्या हुआ? हिस्ट्री तो हुआ, वर्तमान कहाँ है? किसी ने केमिस्ट्री पर एक शास्त्र लिख दिया, आप उसको पढ़ रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, और हम मन में मान बैठते हैं मन के अंदर कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएगा इसको पढ़ के, वो भूत है, वर्तमान नहीं है। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसकी पढ़ते हैं तक की बात मैं करता हूं, क्या है? भूत है। रामचरितमानस वर्तमान नहीं है। आपके यहां महाभारत का इतना बड़ा एटॉमिक वार हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं, क्या है? भूत है। लेकिन उसी रामायण को और उसी श्रीमद् भागवत को यदि कोई कथा के रूप में वर्णित करता है तो वह वर्तमान हो जाता है। यह कला केवल भारतीयों के पास है। और देखो यही आधार था हमारे भारत में गुरुकुलों का, कि ज्ञान के लिए हम बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। और गुरुकुल में व्यवस्था क्या होती थी? बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता था, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी। क्या होता था गुरुकुलों में? केवल 3 चीजें होती थी ज्ञान के लिए। हाँ वही आ रहा हूं मैं। गुरुकुलों में गुरु, सर्वप्रथम गुरु, दूसरी गाय, और तीसरा वटवृक्ष। वटवृक्ष का छांव, यानी जिसको आज औरा कहते हैं, और गाय का सानिध्य, और गुरु का मार्गदर्शन। ये 3 चीजें होती थी और उससे व्यक्ति ज्ञानी बन जाता था। और इतने इतने ज्ञानी बने कि उसी में से ऋषि चरक निकल करके आए, उसी में से सुश्रुत निकल करके आए, उसी में से निघंटू निकल करके आए, और दूसरे शास्त्रों के भी बहुत सारे विद्वान निकल करके आए। तो यहां पर ज्ञान प्राप्त होता था। तो ज्ञान को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? ज्ञानशाला को बंद किया, यानी गुरुकुलों को बंद किया, और शुरू क्या किया? स्कूल। तो स्कूलों में शिक्षा मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए आज पूरा भारत शिक्षित जरूर है लेकिन ज्ञानी नहीं है। और शिक्षा आई और ज्ञान गया, ये मूल में है कि भारत से पराक्रम चला गया। और पराक्रम चला गया तो कई तरह के हम गुलामी में फंस गए। अभी केवल भौतिक स्वतंत्रता है हमारे पास, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता तो नहीं है। यदि हमारे गृहस्थी के केंद्र में गाय हो तब व्यक्ति कभी भी भौतिक मानसिक गुलामी में नहीं फंस सकता। तो आप कहीं से घूम करके चलो, ज्ञान के लिए, समृद्धि के लिए, पराक्रम के लिए, तो सबके केंद्र में मूल में गाय ही आपको दिखेगी। तो यह विषय जब समझ में आई, समझा, तो मुझे लगा स्वदेशी के बहुत सारे प्रकल्प हो सकते हैं। जैसे राजीव भाई ने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा जोड़ जो है वो खादी के ऊपर दिया कि खादी को हम पुनः स्थापित करेंगे, है ना। स्वदेशी सामानों पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि विदेशी सामानों को छोड़ेंगे और स्वदेशी सामान को लेकर के आएंगे, साथ साथ गाय का भी विचार था। लेकिन जब ये सब पर
एक तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने देखा तो लगा कि यदि हम सबको पकड़ के चलते हैं तो राजीव भाई जैसी क्षमता तो मुझ में नहीं है, तो पता नहीं शायद एक भी पकड़ में ना आए, इसलिए अच्छा है एक को पकड़ लो, कम से कम एक तो सध जाएगा। तो उसमें से जब चुनाव किया तो लगा गाय पकड़ लेना चाहिए, तो गाय को पकड़ा और राजीव भाई का बहुत वर्षों तक सानिध्य मार्गदर्शन सब कुछ मिला और उसी आधार पर जो है उसको आधार मान करके गाय के गाय को हर क्षेत्र से जोड़कर देखने की हमने कोशिश की। ज्ञान के क्षेत्र से जोड़कर देखने की कोशिश की, आज उसमें देखो बहुत अद्भुत परिणाम आया है। लगभग आंकड़े में बताता हूं आपको, पूरे भारत के गाय के आधार पर 5000 बच्चे अभी तैयार हुए हैं भारत में, जो कोई एक साल का है, दो साल का है, चार साल का है, पांच साल का है, जिन बच्चों की मां ने गर्भधारण के समय से गाय के गव्यों का एप्लीकेशंस किया और बच्चे के जन्म तक और परवरिश तक कर रहे हैं, ऐसे लगभग 5000 बच्चे हैं आज भारत में, 5000। अभी वो छोटे हैं, सब 5 साल से नीचे वाले हैं, कोई बच्चा होगा 7 साल का, नहीं तो लगभग सब एवरेज 5 साल वाले हैं, 5 साल 3 साल वाले बच्चे हैं। एक बार इन बच्चों से मिलके देखो आप, इनका ज्ञान, इनकी प्रतिभा, इनका पराक्रम, पराक्रम भी है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, इन बच्चों को जब देखता हूं ना, एक साल का जब बच्चा हो जाता है, एक साल का, ऐसे सारे बच्चे जो है 8 महीने में चलने लग जाते हैं, 6 महीना में दांत आ जाता है उनका, दांत निकल जाते हैं 6 महीने में, 8-9 महीने में उठने बैठने लगता है, बैठने लगता है, और 1 साल होते होते तक चलने या फिर दौड़ने लग जाता है। और इस तरह के जितने बच्चों को मैंने देखा है, 1 साल का बच्चा हो गया और यदि गांव में रहने वाला है तो सांप बिच्छू और कुत्ते से बिल्ली से नहीं डरता वो, सांपों को तो यूं डंडा लेके नचाता है, रात्रि से डर नहीं लगता उनको। ये सब गाय के गव्यों का प्रभाव है। तो पराक्रम अगर लाना है बच्चों में तो गाय ही रास्ता है। देखो, और ज्ञान में भी मैं देखता हूं कि ये जो बच्चे अब जो गाय के गव्य के आधारित जो पैदा हो रहे हैं, इनमें ज्ञान बहुत ऊंचा है। आप नए युग की भी बात करूं, यदि कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप वाली बात करूं, तो 1 साल का बच्चा उसकी जितना समझ है उसके हिसाब से ऑपरेट करने लग जाता है। जिन बच्चों को हमने देखा है कि थोड़ा सा उनको पूजा पाठ की तरफ लेकर के आ गया हूं, 1 साल की उम्र का बच्चा आधा घंटा शांतिपूर्वक बैठ करके यज्ञ कर लेता है। एक उदाहरण नहीं, ऐसे आपको 100 से ज्यादा बच्चा तो प्रत्यक्ष मेरी नजरों के सामने है कि 1 साल की उम्र में आधा घंटा भी अगर पूजा पाठ करना हो तो आपकी गोद में शांति पूर्वक बैठ करके उससे जितना बोला जा सकता है कुछ बोल करके कर देगा, परेशान नहीं करेगा। शारीरिक क्षमता की यदि बात करूं तो ये जितने भी बच्चे हैं इनको धूप से कुछ नहीं होता, बारिश से कुछ नहीं होता, ठंड से कुछ नहीं होता। बारिश होती है 2-3 घंटे छोड़ दो। अब यहाँ तो आया मैं तो बड़ा आज एक चीज़ आश्चर्य वाली बात मुझे सोनीपत में लगी, रात को रुका तो झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही थी। पुनीत भाई ने कहा कि आज तो अच्छी बारिश हो गई, बोली हम तो इसको बारिश बोलते ही नहीं है, हम बारिश तो तब बोलते हैं जो मूसलाधार बारिश हो, गली भर जाएं, नाले भर जाएं, खेत भर जाएं, तब इसको हम बारिश कहते हैं। बोले नहीं जी, हमारे यहाँ वो वाली बारिश सब नहीं होती, अब यही होती है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में इसको बारिश नहीं बोलते, तुरल बोलते हैं, ये तुरल है।
तो जो मूसलाधार बारिश होती है ना, उसमें दो दो तीन तीन घंटे मूसलाधार बारिश में बच्चे खेलते हैं, छींक तक नहीं आती उनको। ये गाय के गव्यों का प्रभाव है। आप देखो, ये दो बातें अगर छोड़ दो और सीधे काम की बात पे आ जाओ, उद्योग वाली बात पर, तो गाय से जितना उद्योग निकल सकता है दुनिया के किसी भी चीज से इतना उद्योग नहीं निकल सकता। और आने वाले दिनों में भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का, जो विश्व में उद्योग का जो भविष्य है, और वो है मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य। आज किसी भी देश में चले जाओ, दो ही बजट बड़े होते हैं। एक डिफेंस का बजट सबसे बड़ा होता है किसी भी देश का, और दूसरा किसी भी देश का बड़ा बजट होता है हेल्थ सेक्टर का बजट। ये दोनों एक नंबर और दो नंबर पर रहते हैं। जितने भी जागरूक देश हैं, आप चले जाओ, हेल्थ बजट उनका सेकंड पोजीशंस पर होता है। तो जिस विभाग का बजट जितना बड़ा है, उस विभाग में उद्योग की संभावना उतना ही अधिक है। और हम लोगों से ज्यादा यूरोप और अमेरिका के लोग जानते हैं कि आज जिन जिन मेडिकल थेरेपियों का बोलबाल है पूरी दुनिया में, उसका भविष्य लंबा नहीं है। और सभी लोग, दुनिया के लोग, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक औषधियों की ओर जाने लगे हैं। भारत में थोड़ी गति कम है, क्योंकि यहाँ ड्रग्स माफिया सरकार को भी फंसा के रखा है, यानी हमारी सरकारें सब उनके चंगुल में ही हैं। तो यहां पर गति थोड़ी धीमी है, लेकिन जहां के लोग अपने अधिकारों के लिए जुझारू हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, उन देशों में जाकर के देखो तो मॉडर्न मेडिकल साइंस लगभग खत्म हो गया है। लगभग खत्म हो गया। यूरोप के बहुत सारे देशों के नाम आपको बता सकता हूं जहां एलोपैथी प्रतिबंधित हो गया, प्रतिबंधित हो गया मतलब उसकी पूरी जानकारी दिए बिना। जैसे न्यूजीलैंड है देश, सबसे पहला देश है, वहां का कोई डॉक्टर बिना मरीज को साइड इफेक्ट की जानकारी दिए यदि एंटीबायोटिक लिख दिया, तब उसको जेल हो जाती है। इतना कड़ा कानून है। अमेरिका के बहुत सारे प्रोविंस हैं जहां पर उन्होंने प्रादेशिक स्तर पर इन चीजों को लागू कर दिया है। इनका भविष्य तो देखो अंधेरे में है। भारत में इनका शिकंजा बहुत मजबूत है, जिसके कारण यहां तेजी से चीजें नहीं बढ़ रही है। लेकिन जिसको आगे जाना है, देखो कुछ समय तक रोक सकते हो, बहुत लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। भारत में भी ये बायोटिक मेडिसिन का जो वेग है, ये कुछ समय तक है, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारा तो भूत इसी पर रहा है। हमारे हमारे पूर्वजों से हमारे जिन में ये चीजें चलती आ रही है, बस एक जागृत करने की बात है। और जैसे ही ये सारी चीजें आती है सामने, तो हेल्थ सेक्टर डिफेंस सेक्टर के ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि देखो, हेल्थ है तो डिफेंस है आपके पास, लड़ने के लिए बाहुबल है तभी कुछ होगा। और बाहुबल कहां से आएगा? अच्छे हेल्थ से आएगा। तो आज भी दुनिया में बहुत सारे, बहुत ऐसे देश हैं जिनका हेल्थ बजट एक नंबर पर होता है। और देखो, भारत का भी वो समय आएगा कि हेल्थ बजट एक नंबर पर रखना पड़ेगा, रास्ता नहीं है। तो आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रियां खुलनी है, जितना भी व्यापार आगे बढ़ना है, इसमें से सबसे सरल और सबसे सस्ता अगर कोई रास्ता है तो गाय है। तो इन्हीं सब विचारों को लेकर के
2011 में ऐसे ये काम 2007 से शुरू हुआ था, जब राजीव भाई ने पहली स्वास्थ्य कथा चेन्नई में की थी। तब तक राजीव भाई का जो व्याख्यान है मूलतः खादी, स्वदेशी और इन सारी चीज़ों पर होते आया था। 2007 दिसंबर में पहली बार उन्होंने इन विषयों को थोड़ा पीछे छोड़ा और हेल्थ को आगे लेकर के आए, और उन्होंने अपने जीवन का पहला स्वास्थ्य कथा, 7 दिन की स्वास्थ्य कथा चेन्नई में की, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये स्वास्थ्य कथा। और उसके बाद तो लगभग उनके व्याख्यान हेल्थ सेक्टर पर ही आते गए, हेल्थ पर ही आया, और हेल्थ में सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बात कही आयुर्वेद की बात कही, और आयुर्वेद के बाद दूसरे नंबर पर गाय की बात कही उन्होंने कि गाय में से चीज़ें निकल करके आती है। तो मैं तो देखो आप लोगों से पूरी विनम्रता के साथ मैं निवेदन यही करूँगा कि देखो अंततः आप किसी भी संगठन से रहो, किसी भी पार्टी से रहो, किसी भी समुदाय से रहो, अंत में जिस विचार के लिए हम ये काम कर रहे हैं वह विचार है राष्ट्र की समृद्धि का विचार, अंततः तो वही है। हम चाहे किसी के साथ चलें, मूल में पहुंचना कहाँ है, राष्ट्र की समृद्धि पर। और राष्ट्र की समृद्धि किस में छिपा हुआ है, गाय में छिपा हुआ है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि देखो अभी समय है, गाय का वरण कर लो, माने गाय को धारण कर लो, अर्थात गाय को अपनी गृहस्थी में लेके आ जाओ। इससे देखो पीढ़ियां सुधर जाएगी, वर्तमान नहीं भविष्य भी सुधर जाएगा, क्योंकि कल पराक्रमी लोगों की जरूरत जब राष्ट्र को पड़ेगी तो आपके परिवार का बच्चा सबसे पहले खड़ा होगा। इसमें एक इतिहास का बड़ा सशक्त उदाहरण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को जब एक बहुत बड़ा युद्ध करना था तो हरियाणा को क्यों चुना, वृंदावन और मथुरा के आसपास कोई जगह चुन लेते, क्या वहां जगह की कमी थी क्या, या उत्तराखंड जो अभी बना हुआ है वहां जगह की कमी है क्या, वहां उनको रणभूमि चुनना चाहिए था, ये हरियाणा को ही क्यों चुना उन्होंने, कभी विचार किया आपने, कभी सोचा है। जब मैं गाय की दृष्टिकोण से जब देखता हूं तब ये चीजें समझ में आती है। अभी जो हमारे पास जो 100 प्रजातियां बची हुई है गाय की, जिसमें 60 प्रजातियों की संख्या काफी है, अधिक है, इन 60 प्रजातियों में कुछ प्रजातियां ऐसी है जो अद्भुत है, जिसका दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। और उसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं आप चाहो तो लिख लो आप इसको। उत्तर भारत की 2 प्रजातियां अद्भुत है आज भी जो बची हुई है, आपकी एक हरियाणवी, इसका कोई टक्कर नहीं है दुनिया में। हाँ, आपका पड़ोसी राज्य जो है राजस्थान, वहां का नागौरी, उसका कोई टक्कर नहीं है। मध्य भारत की उत्कृष्ट प्रजातियां लगभग खत्म हो गई है। दक्षिण भारत में कुछ प्रजातियां बची हुई है, जैसे कर्नाटक की एक प्रजाति है हल्लीकर, और हल्लीकर का मूल है अमृत महल, वो प्रजातियां भी बची हुई है। तमिलनाडु की एक प्रजाति है कांगायम, गोवा की प्रजाति है शोड कपिला, आंध्र प्रदेश में एक प्रजाति है इसका नाम है ओंगल। ये जो प्रजातियां अभी बची हुई है 5-6 प्रजातियां, इनके गव्यों की जो गुणवत्ता है किसी से तुलना नहीं की जा सकती, किसी से नहीं की जा सकती तुलना, इतना अद्भुत है। थोड़ा आप कहो तो विज्ञान की भाषा में समझाऊं आपको,
गाय को माँ क्यों कहते हो? आप उत्तर दे सकते हो क्यों? बैठ के ही बोलिए। हाँ जी, उसका भी पीला दूध होता है, पहला दूध बछड़ा दूध है। हाँ जी, हाँ जी, माय का भी पुत्र पीला दूध होता है। हाँ जी, और लेबोरेटरी चेक कराओ तो दोनों के दूध एक साथ। हाँ जी, और दो कार्य निरुक्त के अनुसार है पोषण करने वाली। हाँ जी, जिस तरह हमारी जननी माता हमारा पोषण करती है, इसलिए वो भी हमारा पोषण करती है। हाँ जी, माता का है। और कोई? हाँ जी, गाय के जितने मर्जी बच्चे छोड़ दो, वो बच्चा अपनी माँ के पास ही जाएगा। हाँ जी, और माँ अपने बच्चे को ही दूध पिलाएगी ना कि दूसरे को। हाँ, ये अक्षमता केवल गाय में। हाँ, ये सब आपके प्रश्न के जो प्रश्न किया उसके उत्तर आप सभी के सही हैं। यदि इसको बहुत बारीक विज्ञान से जोड़ करके देखें, क्योंकि देखो दूध तो आपकी मुर्रा भी देती है और वो कम प्रिय नहीं है आपके लिए। राजस्थान वालों को ऊँटनी का भी दूध मिलता है, ऊँट ऊँट के लिए कम प्रिय नहीं है। लेकिन जब कभी हमारे मन में कोई धार्मिक भावना आती है और जिस माँ से हम पैदा हुए हैं उनको छोड़कर किसी दूसरे के लिए माँ का संबोधन जब करना पड़ता है तो मात्र गाय आती है, दूसरी नहीं आती है। क्यों ऐसा है? तो यह ऐसा इसलिए है कि हम पृथ्वी को भी मां मानते हैं, क्योंकि वो मां है। अंततः जन्म कहां से हुआ है हमारा? पृथ्वी के तत्वों से ही हुआ है, तो पृथ्वी को भी हम मां मानते हैं। और पृथ्वी का पोषण कौन करती है? गाय करती है। तो सूर्य जो हैं उनकी किरणों से पृथ्वी का पोषण होता है और सूर्य की किरणों से पृथ्वी का पोषण कैसे होता है? तो सीधे नहीं होता है, गाय के माध्यम से होता है। जैसे देखो जीवन पर्यंत मनुष्य क्या कर रहा है? मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। हमारा काम क्या है? मिट्टी को खराब करना, सड़कें बनाना, मकान बनाना, ब्रिज बनाना। हम मिट्टी को खराब कर रहे हैं कि नहीं? उसके मूल स्वरूप को बदल रहे हैं, और जरूरी भी है क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, हमारे जीवन की सुगमता संभव नहीं है, जिसको हम विकास कहते हैं। विकास हो रहा है, पृथ्वी के विचार से देखो तो पूरा विनाश हो रहा है। लेकिन बिना विनाश किए हुए हमारा पोषण नहीं हो सकता, सड़कें नहीं बन सकती, मकान नहीं बन सकता, तो करना पड़ेगा। तो मनुष्य का क्या काम है? मिट्टी को खराब करना। मनुष्य का दूसरा काम है पानी को खराब करना। दिन भर हम पानी को खराब करते रहते हैं, पीते हैं पेशाब निकलता है, अच्छा पानी पीते हैं खराब पानी बाहर निकलता है। और जितने भी पानी से काम लेते हैं उसमें क्या होता है? पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है। हम अपने स्वार्थ के लिए अग्नि का प्रदूषण करते हैं, अग्नि जलाते हैं। जो अग्नि सुषुप्त थी उसको जला करके प्रदूषित कर दिया। आकाश को प्रदूषित करते हैं ध्वनि तरंगों से, आकाश को खराब करते हैं हम। तो पृथ्वी जिन चीजों से बनी है सभी को खराब करने का काम किसका है? मनुष्य का। दूसरा कोई जीव ऐसा नहीं करता। किसी भी जीव के जीवन को ले लो, पृथ्वी के इन पांच महाभूतों को खराब करने का काम मनुष्य को छोड़कर कोई दूसरा जीव नहीं करता। कोई भी जीव को आप ले लो, शेर है, चीता है, शाकाहारी, मांसाहारी, कोई जीव आग नहीं जलाता। हाँ, कोई भी जीव जो हमारे पृथ्वी के तत्व हैं उसका गलत मिश्रण नहीं करता, यानी केमिकल्स, रॉन्ग कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स
नहीं करता, केवल मनुष्य करता है। तो मनुष्य पृथ्वी के सारे महाभूतों को खराब करने में लगा हुआ है, फिर इसको बनाने में कौन लगा हुआ है? कौन है जो मिट्टी का शुद्धिकरण कर रहा है? कौन है जो जल का शुद्धिकरण कर रहा है? कौन है धरती पर जो अग्नि का शुद्धिकरण कर रहा है? वायु और आकाश का शुद्धिकरण कौन कर रहा है? हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं क्या? हमारे वैज्ञानिक कोई मशीन बना रहे हैं क्या जिससे मिट्टी का शुद्धिकरण हो जाए? चांद पर चले गए, बहुत सुंदर बात है, उससे पहले भारत की मिट्टी का शुद्धिकरण होना चाहिए था। और अपने देश की बात नहीं, तो मैं पूरे विश्व समुदाय की बात कर रहा हूं कि पूरा विश्व समुदाय कोई मंगल पर जाने का होड़ लगाए हुए है, कोई चंद्रमा पर जा रहा है, कोई शुक्र पर जाने की तैयारी कर रहा है। अपना घर जो बिगड़ गया है, प्रदूषित हो गया है, उसको शुद्ध करने का उपाय कोई नहीं ढूंढ रहा है, दूसरे घर पर जा रहे हैं, दूसरा घर ढूंढ रहे हैं। आप इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखोगे आप, तो मात्र 84 लाख जीव जंतु और वनस्पतियों में मात्र गाय अकेली है जो पृथ्वी के पांचों महाभूतों का शुद्धिकरण करने की दिशा में मात्र काम करती है, दूसरा कोई काम नहीं है उसका। और ये देखो, शास्त्रोक्त बात नहीं है, ये पूरा मॉडर्न साइंस के लेबोरेटरी, उनकी प्रयोगशाला की बात है। आपके यहां भी बहुत सारे प्रयोगशाला हैं। आप एक दिन एक काम करना, आपके यहां जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडियों में गाय और नंदी घूमते रहते हैं और सड़ी गली सब्जियों को खाते हैं, सड़ी गली सब्जियों को खा करके हिष्ट पुष्ट रहते हैं सब। आपके यहां बंधी हुई गाय से ज्यादा हिष्ट पुष्ट वो सली गली सब्जियां खाने वाले नंदी और गाय रहती है। वो जब गोबर देती है ना, तो गोबर को थोड़ा ले लेना और लेकर लैब में टेस्ट करके देखना है क्या वो। आप देखोगे शुद्ध भूमि तत्व है, यानी गाय कुछ भी खा ले, उसके पेट से प्रोसेस होके निकलेगा तो शुद्ध भूमि तत्व बन करके निकलता है, प्योर सॉइल। नहीं, प्लास्टिक, मैं प्लास्टिक की बात नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं कि सड़ी गली सब्जियां खाने वाली गाय है, हाँ, प्लास्टिक को भूमि तत्व में नहीं बदल सकती, लेकिन जितने भी बायोटिक फूड एलिमेंट्स हैं, हाँ, प्राकृतिक जो चीजें हैं, अनाज है, फल है, सब्जी है ना, यहां तक कि कागज भी खा जाती है गाय, ये सब जब उसके पेट से प्रोसेस होकर के निकलेगा तो शुद्ध भूमि तत्व के रूप में निकलेगा। यानी जिस धरती पर सबसे ज्यादा गाय है, वहां की धरती उतना विशुद्ध है, शुद्ध है। हमने खराब किया मिट्टी को और गाय ने उसका शुद्धिकरण कर दिया। इसी प्रकार से पीछे आवाज आ जाती है, और देखो इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से जल है, हम प्रतिदिन जल को अशुद्ध करते रहते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं। गाय को बताओ कौन फिल्टर का पानी पिलाता है? गाय को कभी कोई फिल्टर का पानी पिलाता है क्या? हाँ, गाय नदी का पानी पी लेती है, नहर का पानी पी लेती है, और खेतों में चलते हुए नाले का पानी भी पी लेती है। लेकिन वह गंदा जल जब गाय के शरीर से जब बाहर निकलता है मूत्र के रूप में या दूध के रूप में, तो शुद्ध जल तत्व और वायु तत्व बन करके निकलता है। हाँ, इसका देखो एक परीक्षण आप कर सकते हो। आपके यहां का सबसे गंदा नाला कौन सा है? सबसे गंदा नाला, हाँ, उसका एक बाल्टी पानी लेकर के आ जाना, और बाजार में एक लिटमस पेपर मिलता है जो आप डालोगे तो उसका जो एल्कलाइन और एसिडिक वैल्यू बता देगा, जिसको पीएच वैल्यू कहते हैं। आप पीएच वैल्यू उसका चेक कर लेना, 3, 4 या 5 कुछ आएगा। हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ है उसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.2%। यानी
गटर का पानी, नाले का पानी इतना अम्लीय है कि हम नहीं पी सकते साइंस के हिसाब से। रंग गहरा है वो अलग विषय है, गंध है वो अलग विषय है, लेकिन रासायनिक विश्लेषण के हिसाब से भी गटर का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अम्लीय है। हमारा शरीर ज़्यादा क्षारीय है, नहीं पी सकते उसको। अब आप उस बाल्टी में क्या करना, अपनी गाय का आधा लीटर गोमूत्र मिला देना, एकदम देखो सरल प्रयोग है, और उसके बाद उसका पीएच आप चेक करके एकदम सरल प्रयोग है, कोई बड़ा मशीनरी का काम नहीं है। प्योर अल्कलाइन गाय का मूत्र प्योर अल्कलाइन होता है और 100 गुना ज्यादा क्वांटिटी वाले अम्लीय तरल को भी अल्कलाइन में बदल देता है। तो गाय क्या कर रहे हैं, अपने मूत्र से जल का शुद्धि कर रही है गाय। और देखो किस स्तर पर हो रहा है, आप देखो भारत में भी 4 करोड़ गाय है, एक गाय एवरेज 3 लीटर गोमूत्र जरूर करती है। आपके यहां हरियाणा वाली 5 लीटर करती है, हमारे यहां वाली 2 से 3 लीटर करती है। इतने गाय का मूत्र धरती पर गिर रहा है और सूर्य के पास से उस और वाष्पीकरण होकर के कहां जा रहे हैं, तो बादलों का शुद्धिकरण कर देती है। और इसीलिए देखो भारत में वर्षा जल पीने की बहुत पुरानी परंपरा रही है कि सबसे शुद्ध जल का मतलब आसमान से टपका हुआ पानी, सबसे शुद्ध पानी माना जाता है आकाश का पानी, वो इसी कारण से माना जाता है ताकि भारत में, क्योंकि भारत में गोवंश बहुत ज़्यादा है और गाय का मूत्र जब मिट्टी में गिरता है और सूर्य के प्रकाश से वो वाष्पीकृत होता है तो वाष्प वह मेघ में जा करके और मेघों का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर वहां से शुद्ध जल की बारिश हमारे यहाँ। तो जल को कौन शुद्धि कर रहा है, गाय कर रही है। अब आता है देखो चौथे नंबर पर वायु का शुद्धिकरण, ये वायु का शुद्धिकरण कौन कर रहा है, कोई एक इक्विपमेंट्स का नाम बता दो आप साइंस वाले में, साइंस वाले में जो अग्नि का शुद्धिकरण करता हो, यानी फैक्ट्री चलता हो और उससे कार्बन नहीं ऑक्सीजन निकलता हो, एक भी फैक्ट्री का नाम बता दो आप, है क्या कोई फैक्ट्री ऐसा है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता हो। गाय कई प्रकार से ऑक्सीजन देती है, कई प्रकार से, जैसे गोबर है, गोबर में 23% ऑक्सीजन है, कच्चा गोबर आप लीजिए लैब में जाके टेस्ट करके देखो आप, 23% वायुमंडल में, पूरे दुनिया के किसी भी वायुमंडल में इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, शायद ही कहीं अब 20.8% ऑक्सीजन होगा, शायद ही कहीं। लेकिन आपके यहां सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन है आपका, आपका आपके हरियाणा में सबसे प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, गुड़गांव, गुड़गांव होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि गुड़गांव में ऑक्सीजन डेंसिटी जो है ट्रैफिक टाइम में 11 या उससे नीचे जाता है। गुड़गांव की मंडियों में गली सड़ी सब्जी खाने वाली गाय का गोबर लाके परीक्षण करके देखोगे ना तब भी 23% ऑक्सीजन मिलेगा। तो वायु का शुद्धिकरण कौन कर रहा है, गाय। श्वास देखो कुछ भी ले ले, कभी भी जहरीला गैस नहीं छोड़ती, दुनिया में एक ही जीव है जो कभी भी जहरीला गैस एक्सेल उसका कभी भी जहरीला नहीं होता, वो गाय होती है। गोबर से ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके श्वास से ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके मूत्र से ऑक्सीजन मिल रहा है, दूध से कितना ऑक्सीजन मिलता है आप एक गणित लगा के देखो आप। 26 लीटर आप हरियाणवी का दूध ले लो आप, 26 नहीं हरियाणवी का 24 लीटर में आ जाएगा, 24 लीटर हरियाणवी गाय का दूध को आप दही बना दो,
और दही को मत करके उसमें से मक्खन निकाल लो आप, तो आपको 2 किलो मक्खन निकलेगा। हाँ, 24 से 26 लीटर हरियाणवी के दूध में 2 किलो मक्खन निकलेगा, और 2 किलो मक्खन को यदि आपने तपाया तो 1 किलो घी मिलेगा, 50% घी मिलता है। और उस घी को यदि आपने जला दिया, चाहे तो घर में दीपक के माध्यम से जला दो, या हवन कुंड में जला दो, या जैसे भी जला दो आप, प्रत्येक 10 मिलीलीटर घी जब जलता है तब वायुमंडल में 1600 किलो प्रदूषित वायु ऑक्सीजन में बदल जाता है। 1600 किलो। आज से 40 साल पहले रूस के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था, तब उनको मिला था कि गाय का जो मंथनी घृत है, जो मंथन क्रिया से बनती है, वो 10 मिलीलीटर जलने से 1 टन वायु का शुद्धिकरण होता है। लेकिन 2015 में हमने जो है एक यूनिवर्सिटी के मदद से जब लैब में इसको टेस्ट करके देखा तो 1.6 टन आया, यानी 1600 किलो। तो मात्र 10 मिलीलीटर घी हमारे वायुमंडल के 1600 लीटर प्रदूषित वायु को शुद्ध प्राणवायु में बदल देता है। तो ये कौन कर रहा है शुद्धिकरण का काम? गाय कर रही है। और देखो इतना सारा जो यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया में, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, कल कारखाने हैं, इससे ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है। हाँ, देखो कोई भी जीव जब शब्द निकालता है तब उससे जो ध्वनि तरंगे होती है ये प्राकृतिक ध्वनि तरंगे होती है, ये अनंत कोटि चली जाती है। इन ध्वनि तरंगों का कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होता वायुमंडल में, लेकिन यही जब कृत्रिम ध्वनि तरंगे जब निकलती है तब ये पृथ्वी के ग्रेविटी से ऊपर नहीं जा पाती और उसका बहुत हैवी ट्रैफिक जाम हो जाता है। बोलो हो जाता है? हो जाता है जी, हमें क्या करना उससे? इसका बहुत बड़ा संबंध हमारे चरित्र पर पड़ता है। हमने पूरे विश्व का एक सर्वे किया कि कहां कहां सबसे ज्यादा अपराध है, क्राइम सबसे ज्यादा कहां कहां पर है, और जहां क्राइम है वहां पर गाय कितनी है, इसका एक आंकड़ा निकाला है हमने। अभी नहीं, वो हो गए 10 साल पहले, उस पर सर्वे किया था, पहले भारत से किया, फिर पूरे दुनिया के देशों में किया। तो एक आंकड़ा मिलता है कि यूएसए में सबसे ज्यादा अपराध होता है, सबसे ज्यादा क्राइम कहां होता है? यूएसए में होता है। और सबसे ज्यादा साउंड पॉल्यूशन यूएसए में है, 2.5 लाख एरोप्लेन यूएसए में कभी भी ऊपर उड़ते रहते हैं, इतना हैवी साउंड फ्रीक्वेंसी का ट्रैफिक वहां है कि उस छत के नीचे रहने वाले सभी लोगों का चरित्र और मन खराब हो गया है। तो हमारा चरित्र और मन ये ध्वनि तरंगों के नियंत्रण में होता है, और जहां जहां के आकाश में साउंड ट्रैफिक कम है वहां के लोगों की चेतना शांत होती है। अब देखो भारत में सबसे ज्यादा अपराध कहां होता है? दिल्ली। सबसे ज्यादा मर्डर कहां होता है? दिल्ली। सबसे ज्यादा रेप कहां होता है? दिल्ली। सबसे ज्यादा घुसखोरी डकैती कहां होता है? दिल्ली। और सबसे कम कहां होता है? दक्षिण भारत। आपको तमिलनाडु से कभी रेप की खबरें आती है? केरल से कभी आई है? कभी? शायद 25-30 वर्षों में कभी कोई एक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने के कारण। हाँ, या कोई दिल्ली वाला चला गया होगा। दिल्ली वाला नहीं भी गया होगा तो दिल्ली वाला अपना संस्कार छोड़ करके आया होगा। तो इसका जो संबंध आप देखोगे तो उसी वही है, साउंड फ्रीक्वेंसी के कारण हमारी चेतना विकृत हो जाती है, क्योंकि ये जो है ना आकाशीय तत्व है, और जब इस आकाश के ऊपर का जब आकाश बिगड़ता है तो इस आकाश को बिगाड़ देता है, और ये आकाश जब बिगड़ जाता है तब व्यक्ति में अपराध का बोध जागृत हो जाता है। तो इसको जब गाय से जोड़कर आप देखोगे ना तो क्या निकलता है? जहां पर गाय है
वहाँ पर विकास के कारण जो साउंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है उसको न्यूट्रलाइज्ड करने का काम गाय करते रहती है। तो बहुत सारे शहर आपको मिल जाएंगे जहाँ साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उस शहर में गाय है, तो वहाँ अपराध कम होता है। तो आप चरित्र से भी अगर देख करके जोड़ो, आप इसको जोड़ कर देखो, तो जहां पर गाय है वहां पर चरित्रवान लोग ज्यादा होते हैं, और चरित्रवान ज्यादा होंगे तो अपराध कम होगा। तो आप कहीं से भी घूम करके जाइए, आप यदि उत्कृष्ट जीवन जीना है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, ज्ञानी बनाना है, समृद्ध बनाना है, पराक्रमी बनाना है, तो आपको घूम करके गाय के पास ही आना पड़ेगा। और गाय को माँ इसीलिए कहते हैं कि हमारी धरती माँ के पांचों तत्वों का पोषण मात्र गाय करती है। मिट्टी का पोषण गाय करती है, जल का पोषण गाय करती है, अग्नि का पोषण गाय करती है, वायु का पोषण गाय करती है, आकाश ध्वनि का पोषण गाय करती है। और हम रहते कहां पर हैं? धरती को हम मां क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम सभी धरती के गर्भ में पल रहे जीव हैं। हमारा अभी जन्म नहीं हुआ है, ये सारी क्रियाएं वार्तालाप तो हम पृथ्वी मां के गर्भ में रह करके कह रहे हैं। पृथ्वी मां का गर्भ इतना बड़ा है कि उसमें करोड़ों बच्चे रहते हैं एक साथ, तो हम सभी धरती मां के गर्भ में रह रहे हैं, इसलिए भी धरती को मां कहते हैं। और धरती की मां फिर कौन है? गाय। इसलिए गाय के साथ हमारे पूर्वजों ने जो संबंध बनाया वो मां का बनाया कि ये मां है। आप देखो हरियाणा के लोग वेद को बहुत ज्यादा मानते हो, आप लोग ऐसा सुना है हमने कि वेद पर अखंड विश्वास यदि भारत में सबसे ज्यादा कहीं है तो हरियाणा के लोगों को है। तो वेद में एक वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद का पहला अध्याय है। पहला अध्याय भी यही कहता है कि मनुष्य के जीवन में नौ पूजनीय हैं, नौ चीजें पूजनीय हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है मां का, पहला, उसके बाद पिता का, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, और उसके पास उसके बाद पृथ्वी के शरीर में निहित पांच महाभूत, पांच और चार नौ, ये नौ मनुष्य के जीवन में सबसे पूजनीय होते हैं। तो गाय का जो हमारा संबंध है वो धार्मिक दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, समृद्धि के दृष्टिकोण से, पराक्रम के दृष्टिकोण से गहरा संबंध है। और इसीलिए यदि गाय को हमने वरण कर लिया तो जीवन उद्धार हो जाता है। उद्धार होना मतलब वो धार्मिक उद्धार नहीं, सामाजिक उद्धार हो जाता है हमारा। सामाजिक उद्धार होने का मतलब समाज में रहते हुए हमें गर्व होता है या समाज हम पर गौरवान्वित होता है, समाज को हमसे गर्व होता है। तो ये सारी चीज़ें जब समझ में आई तो हमें लगा कि ठीक है, स्वदेशी एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसमें से यदि हम एक गाय को लेकर और गाय को स्थापित करने में थोड़ी भी सफलता यदि हमें मिलती है तो इसमें से स्वदेशी के सारे प्रकल्प निकल कर के आते हैं। गाय है तो शुद्ध कपास मिलेगा, और शुद्ध कपास मिलेगा तो खादी मिलेगा शुद्ध, नहीं तो खादी को तो हमने स्थापित कर दिया और खादी का रॉ मटेरियल कपास ही हमें अगर रासायनिक मिल रहा है तो खादी का औचित्य क्या रह जाता है? इसलिए कहीं से भी आप चलो, स्वदेशी के अनाज मसाले या जितने भी चीजें खाने की मिलती है ये सारी चीजें हमने फिर उसका मतलब क्या हुआ? और प्राकृतिक अगर चाहिए तो बताओ गाय के सिवाय कोई विकल्प है सकता है क्या? मुझे तो और कुछ दिखता नहीं कि गाय के बिना खेती संभव है, कृषि का काम गाय के बिना संभव ही नहीं है। और एक
ये मैं अपने मैं स्वयं एक किसान हूँ। आज भी मैं देखो 20 एकड़ की हमारी खेती है कांचीपुरम में, और मैं खेती करता हूँ अपने अपने घर की सारी चीज़ें मैं खुद उगाता हूँ, तेल से लेकर मसाला से लेकर सारी चीज़ें लगभग जितना हो 90% हमारे रसोई का कंजप्शन हमारा अपना उत्पादन है। और कभी भी देखो केमिकल तो कभी डाला नहीं, यूरिया डीएपी कभी डाला नहीं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें हमें लागत से कमाया हो, यानी मेरी पूंजी खराब हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुनाफा कई बार ऐसा होता है कि तेज बारिश आ गई, फसल थोड़ा खराब हो गया, कम से कम मेरी पूंजी तो निकलती है। लेकिन यही मैं देखता हूँ पड़ोस के किसानों को जो रासायनिक खेती करते हैं, जो हाइब्रिड लगाते हैं, 5 साल में कम से कम एवरेज 2 बार वो नुकसान में जाते हैं। 5 बार खेती किया तो 2 बार नुकसान में जाते हैं एवरेज उनको मैं देखता हूँ। ये सारी चीजें तो कृषि को भी अगर ले लो, मैं कृषि इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि आपका जो हरियाणा राज्य है वो कृषि का प्रमुख है, पूरे भारत को गेहूं खिला देता है, पूरे भारत को बासमती चावल खिला देता है, तो आप प्रमुख उत्पादक वाले राज्य हो, इसलिए भी गाय का महत्व यदि यहाँ पर बढ़ता है तो हम बेहतर कर सकते इन रासायनिक वालों से, केमिकल वालों से और हाइब्रिड वालों से। हाइब्रिड नाम है, उत्पादन नहीं होता ज़्यादा। मैं जब अपने खेत में भिंडी का एक बीज डालता हूँ तो एक भिंडी का जो पौधा होता है, कोई कोई भिंडी का पौधा तो 1 साल तक हमें भिंडी खिलाता है, 1 साल तक, एक बार लगा दिया साल भर भिंडी आती है। और अभी देखो बारिश का मौसम है, लोग कहते हैं कि बारिश में सबसे ज्यादा कीड़े लगते हैं, आज भी जाओ हमारे खेत में वहां पर भिंडी मिलेगा लगा हुआ। 3 महीने से भिंडी खा रहा हूं, एक बार भी गौमूत्र भी नहीं छिड़कना पड़ा है। वो पौधा इतना हष्ट पुष्ट होता है कि कीड़े उसको भेद नहीं पाते। तो ये एक बड़ा भुलावा का चक्कर ये हम किसानों के साथ जो इन लोगों ने डाल दिया है कि हाइब्रिड का मतलब उत्पादन ज्यादा, ये बिल्कुल गलत है, उत्पादन ज्यादा नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि कम समय में ज्यादा वो दे दे, जैसे हाइब्रिड जो लोग लगाते हैं भिंडी का उत्पादन हमारे यहाँ जो लोग करते हैं, भिंडी का फसल 3 महीने का होता है, 45 दिन में भिंडी आने लगती है और अगला 45 दिन फलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। हमारी भिंडी 2 महीना में आती है, 2 महीना का पौधा होता है तब भिंडी निकलने लगता है और साल भर चलता है। तो उत्पादन किसका ज्यादा हुआ जोड़ के देख लो आप। गाय में भी ऐसा ही भुलावा इन लोगों ने करके रखा है कि आप तो हरियाणवी मत लाओ जी, गिर मत लाओ जी, ये HF लेकर के जाओ क्योंकि ये दूध ज्यादा देती है। अब सबको ये ज्यादा दूध का चक्कर लगा हुआ है। एक गणित निकाल करके आप देखो कि एक जो हमारी हरियाणवी है 2.5 से 3 साल में गर्भधारण करती है, 3.5 साल में बच्चा दे देती है, फर्टाइल हो जाती है 2.5 साल में, साल भर के अंदर बच्चा दे देती है, और कम से कम 16 बार माँ बनती है अपने जीवन में, और बढ़िया से अगर आप रखो तो 23 बार माँ बनती है, क्योंकि आयु 25 साल का होता है और गाय का बुढ़ापा मात्र 2 साल का होता है। 25 में 2 इधर घटा दो और शुरू के 3 घटा दो, 5 साल घटा दो, तो 20 बार तो बच्चे देते ही हैं अगर ठीक से रखे तो। आज तक कोई भी HF 10वां बच्चा नहीं दे पाई है। आप डेयरी में जाकर के वहां से आंकड़े निकलवा लो, 5 होते होते तक तो स्वाहा, खत्म कहानी उसकी। तो हमारी गैया 18 साल भी अगर दूध देती है तो 18 साल तक दूध देने का आंकड़े निकाल लो कि 18 साल में कितना 1000 लीटर दूध दी होगी, और इनका 5 साल में कितना दूध दोगी निकाल लो आप, आधे से कम बैठता है। तो भुलावा क्या है कि अल्प समय में ज्यादा चीजें मिल जाती है लेकिन लंबे समय तक टिकती नहीं। वो अपने जीवन में 5 बछड़े देती है, हमारी हरियाणवी अपने जीवन में 16 बछड़े देती है, तो बछड़े का भी तो कॉस्ट जोड़ लो ना आप। और एक गाय 16 साल तक खाद दे रही है, 20 साल तक खाद दे रही है, और इसका खाद तो 1 साल भी काम में नहीं आता,
और अगर नस्लें उन्नत कर ली आपने तो दूध भी ज़्यादा देती है। अगर नस्लें उन्नत कर ली, मैं तो वर्तमान नस्लों की बात बता रहा हूँ, तो ये जो सरकारों के और माफियाओं के मिली भगत से जो ये दुविधा खड़ी कर दी गई किसान के सामने कि आप HF लाइए, है ना, आपको दूध ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, मुनाफा कुछ नहीं मिलेगा, HF लाइए, डेयरी खूब चलेगा, हाँ डेयरी खूब चलेगा, और हाइब्रिड लाइए तो ये खाद बीज बेचने वालों की दुकान ज़्यादा चलेगी। लेकिन उसमें से कितने किसान बर्बाद हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो आप कैसे भी घूम करके आ जाओ, कृषि क्षेत्र को भी लेकर के आ जाओ, तो गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जब सारी चीज़ें, जीवन की सारी चीज़ें गाय पर ही केंद्रित है, तो गाय को वरण क्यों नहीं करना चाहिए। सुशील ने बहुत शानदार मॉडल बनाया। हाँ, अब सुशील भाई का मॉडल देख लो आप, और उसमें से जो सबसे बड़ा विषय निकल करके आता है वो चिकित्सा का विषय निकल करके आता है कि गाय की गव्यों से मनुष्य शरीर ही नहीं, 84 लाख जीव जंतु और वनस्पतियों के शरीर के अंदर की कोई भी बीमारी खत्म हो गई है। एक सूत्र समय हो गया है, अभी और समय है मेरे पास, अगर है तो थोड़ी चिकित्सा वाली बात कर लूँ आपसे। देखो, हमारा शरीर जो है भगवान का दिया हुआ, किसका दिया हुआ है शरीर, भगवान का दिया हुआ है, भगवान कहाँ है भूमि है, जल है, है ना, अग्नि है, गगन है, वायु है, इन पांचों का कंपोजिशन भगवान है। तो भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, तो भगवान का दिया हुआ शरीर में भगवान है, माने पांचों तत्व है। जब ये पांचों तत्व बिगड़ता है तभी कोई बीमारी आती है। तो इन पांचों तत्वों को संतुलित रखने के लिए क्या करना है, पांचों तत्व शुद्ध रूप में खाना है। तो असली औषधि क्या हुआ, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध जल, शुद्ध अग्नि, शुद्ध वायु, शुद्ध आकाश, यही मूल आहार है और यही मूल औषधि है। ये मिलता कहां से, तो गाय का गोबर शुद्ध मिट्टी तत्व, गाय का दूध शुद्ध जल तत्व, दूध से निकला हुआ घृत शुद्ध अग्नि तत्व, गाय का मूत्र शुद्ध वायु तत्व, और गाय से निकली हुई ध्वनि या गाय के किसी भी गव्य से निकली हुई ध्वनि शुद्ध आकाशीय तत्व है। तो हमारे जीवन की जो पांच मूल औषधियां हैं किसके पास है, गाय के पास है। तो गाय की शरण में यदि हम आते हैं तो हमें जीवन में पांच मूल औषधियां मिल जाती है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, और इसी आधार को लेकर के पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान तैयार किया है। और गव्य सिद्धों को यही सिखाता हूं कि कोई भी बीमारी आया आप चेक करो, जांच करो कि इन पांच तत्वों में किस तत्व की कमी के कारण यह बीमारी आया है, या किन दो तीन तत्वों का कंपोजिशन खराब है उसको जांचो और गाय के गव्यों से उसकी शरीर में सप्लाई कर दो। थोड़ा समय लगता है, चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर का एलिमेंटल डिफिशियंसी गाय के गव्य से पूरा होता है, धीरे धीरे बीमारियां वो खत्म होती है। और कल भविष्य में जब आपको एक जागरूक व्यक्ति यदि अपने शरीर की मूल चिकित्सा कराना चाहे, लेकिन आयुर्वेद को इतना तहस नहस कर दिया गया है कि अब उसका मूल स्वरूप बचा ही नहीं। देखो, किसी भी चिकित्सा थेरेपी के तीन मूल तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है जांच की क्रिया, दूसरा होता है औषधि, औषधि, और तीसरा होता है उसकी मरीज की भोजन व्यवस्था, पथ्य जिसको कहते हैं, क्या खाना और क्या नहीं खाना। तीन मूल तत्व होते हैं। क्या खाना नहीं खाना कोई डॉक्टर नहीं बताता, फिर तुम दिन में 10 बार चाय पियो, 2 बार कॉफी पियो और रात को ड्रिंक भी कर लो, चलता है, मेरी गोली बंद नहीं होनी चाहिए। तो पथ्य गया। दूसरा पार्ट है औषधि बनाने की कला। तो
तो आज के मॉडर्न आयुर्वेद के पास औषधि बनाने की कला पूरी खत्म हो गई है, उन्होंने पूरा एलोपैथी के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। तो औषधियां तो दिखने में आयुर्वेद जैसी लगती है, लेकिन वह आयुर्वेद विधि से बनी हुई नहीं होती है। और पहला है जांच। हमारे आयुर्वेद में जांच की क्रिया क्या है? नाड़ी है, वैद्य नाड़ी पकड़ते थे, बता देते थे क्या खराब है, नाड़ी गया, नाभि देखकर बताते थे, नाभि विज्ञान भी गया, आंख देखकर बताते थे, वो विज्ञान भी गया, जीभ देख करके शरीर देखकर बताते थे, वो विज्ञान भी गया। तो किसी भी रोगी के अंदर जो कुछ भी बीमारी है उसको देखने की जो है 6 विधियां थी हमारे यहां भारत में, वो अष्टविध परीक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई। तो आयुर्वेद का 30% तो गया काम से। औषधि बनाने की पूरी क्रिया इन्होंने एलोपैथी से अडॉप्ट कर लिया है। एलोपैथी में जिस तरह से मशीनों में दवाइयां बनती है उसी आधार पर इन्होंने आयुर्वेद की दवाइयां बनाने लग गई, वो खत्म हो गया 30%। बचा 30% जिसमें पथ्य आ जाता है कि किस बीमारी में कौन सी वस्तु को खाना और कौन सी वस्तु को नहीं खाना, ये डॉक्टर को खुद को पता ही नहीं है। किसी डॉक्टर से पूछो आलू बारह महीने सेव खाओ, अभी वीरेंद्र भाई ने बताया सेव खाने का मौसम क्या है। तो अब तो डॉक्टरों को भी पता नहीं है कि कौन सी चीज कब होती है, किस महीने में सरसों का तेल खाना, किस महीने में तिल का तेल खाना, और कहां नारियल का तेल खाना, कहां अलसी का तेल खाना, डॉक्टर को पूछो उसको कुछ पता नहीं है। तो पथ्य भी हाथ से गया तो आयुर्वेद बचा कहां बताओ। तो आयुर्वेद को बदनाम नहीं करना, आयुर्वेद का तो ऐसा सत्यानाश किया है एलोपैथी ड्रग्स माफिया ने कि केवल नाम रह गया है, काम कुछ है नहीं। तो भगवान की कृपा समझो कि गाय के क्षेत्र में ये घुसे नहीं है, इसलिए गाय का क्षेत्र और गाय से बनी हुई औषधियां अभी विशुद्ध है, विशुद्धता में है, इसलिए आप इस विशुद्ध चीज को पकड़िए। लेकिन इसमें एक दो बड़े माफिया हैं, इसमें एक दो बड़े माफिया हैं, उन्होंने कुछ कबाड़ा कर रखा है। गौमूत्र बिकता है इसके लिए वो बोतल भर भर के गौमूत्र बेचते हैं, और उनका बोतल एक बार कोई पी ले तो दोबारा पीने का नाम नहीं लेता। पिया तो कभी तो जीभ जल जाती है, कभी कभी डाइजेशन खराब हो जाता है, कभी कुछ शास्त्रीय विधि से नहीं बनाते। लेकिन 2011 से जब हमने गविशुद्ध बनाना शुरू किया तो इनको पूरा शास्त्रीय विधि सिखा दूंगा। तो आप किसी भी गविशुद्ध के औषधालय से या उनके गौशाला से गौमूत्र पी कर देखो आप। मैं ये चीज़ अपने अनुभव, अपने चिकित्सालय के अनुभव पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज आते और फिर वो एक चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु जी ये गोमूत्र छोड़ के दूसरा कुछ दे देना, ये नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे भाई? पहले पिया है, बहुत तकलीफ हुई है, तब इनके लिए एक सूत्र लगाता हूं। हमने एक काम करो, गोमूत्र नहीं, मैं दूसरी एक औषधि देता हूं, वो पी करके देख लो, फिर भा जाए तो कहना, फिर वो हमारा गोमूत्र वाला बोतल खोल करके पीते, हाँ ये तो पी लूंगा मैं। अब उनको बता दो ये असली है, जो अभी तक पिया आपने वो पता नहीं कहां का था, और गाय के नाम पर पता नहीं होलिस्टियन फ्रिजियन जर्सी भैंस किसका था पता नहीं, उनसे पूछना जाकर। ऐसा इसलिए हुआ कि देखो अंग्रेजों ने शास्त्रों को पूरी तरह से खराब किया। तो आयुर्वेद में गाय के गव्यों का जो एप्लीकेशंस के सारे सूत्र थे ये खराब हुए, मतलब हटा दिए, रहा ही नहीं। तो अज्ञानता के कारण इन लोगों ने उल्टे सीधे बहुत सारे प्रयोग किए, कुछ तो पैसा कमाने के लिए और कुछ और कई कारणों से इसको खराब किया, बर्बाद किया। लेकिन प्रकृति ने समय पर गविशुद्धों को खड़ा किया, उनको पूरा शास्त्र का ज्ञान मिला उनको, और
शास्त्र के ज्ञान के आधार पर जो चीजें गवि सिद्धों ने तैयार की है, एक संपूर्ण चिकित्सा, उसमें एक बार आप जा करके देखो, यदि आपने उनके कहे हुए पथ्य का पालन कर लिया तो कोई बीमारी बचती नहीं, क्योंकि बीमारी होता ही है पांच महाभूतों के बिगड़ने के कारण, और पूरे पृथ्वी पर पांच महाभूत को शुद्ध रूप में, प्राकृतिक रूप में, बायोटिक फॉर्म में यदि कोई दे सकता है तो हमारा भारतीय गौवंश, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और ये चीजें जब शरीर को मिल जाए ना तो शरीर सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। देखो कोई भी एलोपैथी की एंटीबायोटिक दवाई कभी भी हमारे शरीर में नहीं पचता, उसका डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो जठर है वो केवल बायोटिक चीजों को डिफ्यूज कर सकता है। बायोटिक माने प्राकृतिक चीजों को डिफ्यूज कर सकता है। आप प्राकृतिक चीजों को डिफ्यूज ही नहीं करेगा, मतलब उसके पाचन क्रिया होगी ही नहीं, और पेट से आगे बढ़ने के बाद जब वो गुर्दे के पास जाएगा तो गुर्दे की ताकत भी बायोटिक फ्लूड को छानने की है, एंटीबायोटिक फ्लूड को छान ही नहीं सकता गुर्दा। तो दो जगह वो चीजें फंस जाती है शरीर में, एक जठर में फंसता है और फिर जाकर के गुर्दे किडनी में फंसता है, और इस तरह से बीमारियां तो ठीक होती नहीं, लेकिन जो दर्द का अनुभव खत्म कर देता है उसके कारण लगता है कि बीमारियां चली गई है, और थोड़ा बहुत जो ठीक होता है वो शरीर अपनी प्रतिरोधक क्षमता के कारण ठीक करता है, क्योंकि शरीर के पास, देखो कोई भी औषधि बीमारी ठीक नहीं करता, कोई भी औषधि होने दो आप, औषधियां शरीर में जो तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति कर देता है, और बीमारी को ठीक तो शरीर ही करता है, शरीर का ही काम है। आप देखो कभी घर में सब्जी काटते काटते उंगली कट जाए, आप कुछ भी ना लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, कोई आइनमेंट नहीं लगाओ, कोई बाम नहीं लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ, फिर भी दो चार पांच दिन में घाव भरता है कि नहीं? बिना डॉक्टर के घाव भरता है ना? कौन भरता है घाव? शरीर भरता है। उसी तरह से शरीर में अगर कोई व्यवधान हुआ है, कोई बीमारी हुई है, तो उस बीमारी को ठीक करने की क्षमता ना तो किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी दवाई के पास है, वो क्षमता केवल शरीर के पास है। तो फिर डॉक्टर क्या करता है जी? दवाई क्या करता है? दवाई और डॉक्टर यही करता है कि शरीर में जिन चीजों की कमी है उसकी पूर्ति डॉक्टर उस दवाई के माध्यम से कर देता है। तो शरीर को रॉ मटेरियल केवल मिलता है, काम तो शरीर ही करता है। तो गाय का जो गव्य है वो शरीर के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल है। आप चाहो तो कच्चा गोबर खा लो, कभी भी इंडाइजेशन नहीं हो सकता, गारंटी के साथ कहता हूं। गाय पर रोड पर घूमने वाली, कचरा खाने वाली गाय गोबर दे देती है, छान करके खा जाओ, कभी दुष्परिणाम नहीं हो सकता है, क्योंकि वह शुद्ध भूमि तत्व है, और हमारे शरीर में 22% शुद्ध भूमि तत्व है, 22% भूमि तत्व है। तो भूमि तत्व की कमी के कारण जितनी भी बीमारियां आती है, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पिंडलियों का दर्द, कंधे का दर्द, ये सब भूमि तत्व की कमी के कारण आता है। ऐसी बीमारियां कभी है तो आप गाय का गोबर खा लो, ठीक होता है, और हजारों लोगों पर हमने करके देखा है गाय के गोबर से ठीक होता है, कच्चा गोबर खा लो आप। लेकिन क्या है, हमारी स्कूलों ने ऐसा चिप्स दिमाग में डाल रखा है कि गाय के गोबर से बदबू आती है। मिला के खिला सके, एक काम करो, गाय के गोबर को धूप में सुखा करके गौरी बना लो कंडा, और कंडे का चूरन बना के खा लो, उसमें भी बदबू अगर आ जाए तो उसको जला के राख कर दो, उसको जला के राख कर लो आप, और राख को खा लो। मुश्किल होता है, राख को पानी में घोल दो, राख नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी पी लो, तब भी काम करेगा, उसका पानी भी अल्कलाइन होता है, बिल्कुल होता है। तो आप गोबर से भूमि तत्व की चिकित्सा कर सकते हो। हमारे शरीर में दूसरा तत्व है जल तत्व, जल कभी भी शरीर में यदि होता है, ड्राई कफ होता है, तो क्या करना है, शरीर को शुद्ध जल तत्व देना है। शुद्ध जल तत्व गाय के पास कहाँ है? दूध के पास है, दूध पी लो आप। दूध पीने के दो तरीके हैं, पानी में दूध मिला के पी लो या दूध में पानी मिला के पी लो।
हाँ, अगर ड्राई कफ है तो एक गिलास पानी में दो चम्मच कच्चा दूध डाल करके पी लेना, ड्राई कफ खत्म होता है। और अगर सर्दी जुकाम वाला है तो क्या करना, एक लीटर दूध को गर्म करके आधा लीटर करो और फिर पी लेना तो ठीक होता है। दवाई वही है, आपकी शरीर की व्यवस्था से उस व्यवस्था को बदलना है। शरीर में कभी वायु दोष हो जाता है तो वायु का प्रतिनिधित्व गाय का कौन सा गव्य करता है, गौमूत्र करता है। गौमूत्र पी लो, वायु तत्व संतुलित हो जाता है, वायु दोष खत्म हो जाता है। वायु दोष का कौन सा बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिक्स, गौमूत्र पी लो सब ठीक होता है। अग्नि तत्व शरीर में खराब हो गया तो गाय कहाँ से मिलता है, घी से मिलता है। तो घी खाइए मत, घी पी लीजिए। हाँ, गाय का घी पियो, एक गिलास गरम करो, पी जाओ। डॉक्टर को मत कहना केवल कि मैंने घी पिया है, नहीं तो बोल देगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा, और नहीं होने वाला भी हार्ट अटैक हो जाएगा वो डर के कारण। हाँ, गाय का घृत पी लो, जमा हुआ सारा धमनियों के अंदर का मेद गल के निकल जाता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, सब गला के बाहर निकाल देता है घी। घी में हाई डेंसिटी लिकोप्रोटीन है, इसलिए संकट नहीं है। लीटर का लीटर घी पी जाओ आप, कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। और कभी चेतना खराब हो गई तो गाय का छाछ पी लो आप, चेतना सही हो जाएगी। यानी माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, पागलपन हो गया, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये सब चेतना से संबंधित है। इन चीज़ों के सुधार और क्या चाहिए कलयुग में बताओ। तो इसी के साथ जो है समय हो गया है, थोड़ा सा कुछ जानना था। हाँ।